किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, बरसात की अधिकता परेशानी का सबब बनते जा रही है और अच्छे खासे चलते फसल कार्यक्रम के बीच में एक बड़ा अवरोध सा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी खेती का काम तो करना ही है। कैसे बचें पानी के विपरीत प्रभाव से और अपनी उद्यानिकी फसलों को कैसे बचाएं, क्या विकल्प हमारे पास होंगे और बिगड़ी फसलों को मनाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे एम मनोज कुमार जी से, जो कि मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से आए हैं। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले आइए सुन लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। किसानों को मांग अनुसार मिलेगी खाद, मृदा परीक्षण लेब्स का काम शीघ्र पूरा करें, धान की फसल को खेरा रोग से बचाएं, अगेती आलू फसल की उन्नत खेती, टमाटर का सफ़ेद मक्खी से बचाओ। अब खबरें विस्तार से। किसानों को मांग अनुसार मिलेगी खाद। राज्य सरकार ने इस बार किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। किसान से SMS से पूछा जाएगा कि वह किस कंपनी का कौन सा खाद चाहता है, वही खाद उसे विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दिलवाया जाएगा। सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि इस बार यूरिया की मांग अधिक है, इसलिए किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सिंह ने मंत्रालय में राज्य सहकारी विपणन संघ की बैठक ली। उन्होंने विपणन संघ की उपार्जन संबंधी परिवहन व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए। मृदा परीक्षण लेब्स का काम शीघ्र होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मध्य प्रदेश सचिन यादव ने अपूर्ण मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का कार्य 7 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री यादव ने मंडी बोर्ड की समीक्षा के दौरान कहा कि ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मंडी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा कर सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्री यादव ने PPP मोड पर मंडियों में सार्टेक्स सिस्टम तथा कचरा प्रबंधन से जैविक खाद निर्माण इकाई स्थापना की संभावनाओं पर शीघ्र काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडी में ऑर्गेनिक उत्पाद, सार्टेक्स अनाज तथा जीन्स की वैरायटी के स्टॉल निर्धारित करें। धान की फसल को खेरा रोग से बचाएं। धान का खेरा रोग भूमि में जस्ते की कमी के कारण होता है। यह रोग फसल में पोत घर से लेकर बाढ़ की अवस्था में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। पौध रोपण के 15 से 25 दिन के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिसमें पौधा बोना रह जाता है तथा कल्ले कम निकलते हैं, जड़ें कम बनती हैं व भूरे रंग की हो जाती हैं। रोग से बचाव हेतु जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले प्रयोग करना चाहिए। पौध रोपण से पहले पौध को 0.4% जिंक सल्फेट के घोल में 12 घंटे तक डुबोकर रोपण करें। खड़ी फसल में 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बिना बुझे चुने के घोल का मिश्रण बनाकर उसमें 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान तथा फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। उड़द को फली बीटल से बचाएं। फली बीटल कीट भूरा व काला होता है, जो उड़द की पत्तियों को कुतरकर गोल छिद्र बनाता है, जिससे पत्तियां छलनी हो जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 1.5% या क्लोरोफायरीफास 2% डस्ट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 15 दिन के अंतर से 2 बार खेत में भुरकाव करना चाहिए। अगेती आलू की उन्नत खेती। अगेती आलू की मुख्य फसल को सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के अंत तक बो देना चाहिए। बीज की मात्रा व बुआई की दूरी सामान्यतः बीज की किस्म, आकार व भूमि की उर्वरकता पर निर्भर करती है। बीज कम से कम 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार का या 25 से 30 ग्राम वजन के साबुत कंद होने चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में 1 हेक्टेयर भूमि में बुआई के लिए 25 से 30 क्विंटल आलू के कंदों की बुआई होती है। बुआई के पूर्व कंदों को 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम बायोस्टीन प्रति लीटर पानी के घोल में 20 से 30 मिनट तक भिगोएं तथा छाया में सुखाकर बुआई करें। कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। आलू की उन्नत जातियां कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी लवकर, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह,
कुफरी सतलत, कुफरी अलंकार, कुफरी आनंद, कुफरी अरुण, कुफरी चमत्कार, कुफरी देवा लगाना चाहिए। टमाटर का मक्खी से बचाव, टमाटर की फसल को सफ़ेद मक्खी से अत्यधिक नुकसान होता है। कीट की लटें फलों में छेद करके अंदर से खाती हैं, कभी कभी इनके प्रकोप से फल सड़ जाता है। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, अथवा बेसिलस थोरेंजेसिस कुट्टस की 1 लीटर प्रति हेक्टर के साथ मिथेमिल 40 SP 600 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें, अथवा प्रोफेनोफास 1000 से 1500 मिली प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नहीं, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पुनः स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, और जैसा कि हमने कहा था कि हम बात करेंगे एम मनोज कुमार साहब से, जो कि मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था में सहायक संचालक हैं, जैविक निरीक्षक के पद पर आप कार्यरत हैं, और इनसे बातचीत होगी। हम जानेंगे उद्यानी की फसलों में जो इस समय स्थिति है उससे कैसे उभरे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण फसलें तितर बितर हो गई हैं। तक सब जल भराव से बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं कि सामान्य फसलों में भी आ रही हैं, उद्यानी की फसलों में भी आ रही हैं। तो क्या किया जाए, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम क्या कह रहा है, आइए मौसम विशेषज्ञ से ही पूछें। डॉक्टर GD मिश्रा हमारे बीच में हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। मिश्रा साहब, कैसे, क्या हाल है मौसम के, कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? नमस्कार। मेरा अभी देख रहे हैं कि आप पूरे इंडिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा वर्षा हो रही तो मध्य प्रदेश में हो रही है, और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो नौगांव में 15 सेंटीमीटर, रायसेन में 13, पिछौर में 12, गंज में 14 में 11 और कटनी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इसके अलावा अगर सामान्यतः हमारी 51 जिलों की बात करें तो प्लस 31% ज्यादा वर्षा हुई है पूरे मध्य प्रदेश में जिलों में सामान्यतः अधिक वर्षा। और अगले 24 घंटे में भी, अभी जो हमने आज एक्सट्रीमली यानी अति भारी वर्षा की बात की, अलराजपुर, खरगोन, खंडवा, धार, बुरहानपुर, इन सब जिलों में अभी भी भारी से अति भारी वर्षा होगी। और भी जो जिले हैं बहुत सारे पूरी मध्य प्रदेश के, बुरहानपुर, नीमच, इधर हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, यहाँ भी वर्षा अभी हो रही है। और पूरी मध्य प्रदेश में कटनी, खजुराहो, यहाँ भी भारी से अति भारी वर्षा होगी अगले 24 घंटे में, क्योंकि मानसून की जो द्रोणिका लाइन है, एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, इसलिए अगले 24 घंटे फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है, बहुत पानी है।
और जिन लोग के फसलों में ज्यादा अगर कहीं भराव हो गया है तो निकाल लें पानी। धान में तो उतना नुकसान नहीं, लेकिन सोयाबीन वगैरह में इससे नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों जी, हम सुन रहे हैं मौसम की जानकारी जो डॉक्टर जीडी मिश्रा साहब ने हमको दी, मौसम वैज्ञानिक भोपाल की ओर से हमको ये जानकारी मिली और ये बताया गया कि अभी बहुत सारे ज़िलों में अभी भी आपदा की स्थिति है, वर्षा होती रहेगी। मनोज कुमार साहब से हम बात कर रहे हैं, एम मनोज कुमार साहब जो कि मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड से हैं और इनसे हम उद्यानिकी की फसलों में बचाव के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना कि अभी भी ये स्थिति बनी रहेगी, बारिश तो काफ़ी हो ही रही है, ऐसे में जैसे ही मौसम खुलता है तभी हम कृषि कार्य कर पाएंगे, तब जाकर उद्यानिकी की फसलों में यानी खास करके सब्जियों में और फलों में जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर क्या स्थिति होगी और किस तरीके से हम उससे उबर पाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि हमें जल निकासी व्यवस्था करनी चाहिए जी। हमें जैसे हर अभी मान ली इस बार हमें बारिश काफ़ी अतिवृष्टि हमारे जो भी अपने मध्य प्रदेश में देखने को मिली, तो अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। तो हम ये चाहेंगे कि किसान भाइयों को अगली बार जैसे होता है, अगली बार हम चाहें कि तैयार रहें उसके लिए, और किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ नाली खोद लें जिससे कि आपको जो है वहाँ पर एक तो जल निकासी काम करेंगी वो, और दूसरी बात वही नालियाँ यदि पानी कम करती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है मान लीजिए, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो पानी है वो रिचार्ज करने काम आएगा। तो एक तो जल निकासी हो गई इसमें, उसके अलावा यदि जो किसान भाई है मान लीजिए अभी तो जो फसल लगी हुई है और निकासी के अलावा कोई चारा बस्ता नहीं हमारे पास, तो अब जैसे ही लेकिन खुलता है मौसम उस स्थिति में हम क्योंकि हमें देखेंगे इस समय जल भराव से क्या है कि हमारी फसलें सड़ जाएंगी, हमें गलन समस्या आएगी जी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ जी तो बचाना तो जरूरी है ना, गलन की समस्या आएगी। तो ज़्यादातर ये जितने भी जड़ों संबंधित रोग हैं, अब ये फल उद्यान भी साथ साथ हमारे किसान भाई लगाते ही हैं जी, तो देख रहे हैं हम आंवला भी है, आम भी है, अमरूद भी हैं। तो अमरूद में जैसे खासकर अभी इस समय हमारे जो कई जिले हैं निमाड़ के पट्टे हैं या जो महाराष्ट्र से लगे हुए एरिया हैं जहाँ पर नींबू के बाग हैं काफ़ी, उनमें जो है डेवलपमेंट हुआ है इसका, तो उन क्षेत्रों में हमें जहाँ अमरूद के हैं तो वहाँ पर विल्ट की समस्या काफ़ी आई है, जिसे बोलते हैं गोवा विल्ट। तो वो असल में एक फफूंद से होने वाली बीमारी है जी। तो उसको यदि कम करना चाहते हैं किसान भाई उसका इफेक्ट, तो क्या करना चाहिए कि हमें उसमें जो सुडोमोनास आता है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जी, उसका और ट्राइकोडोना वेरिडी का दोनों का मिश्रण जो है एक कुंटल खाद है या बायोग्रास करी है मान लीजिए, उसमें एक एक किलो के मान से मिलाएं और किसी भी जगह पे हमारे पास गौशाला होगी या जहाँ पे छाया हो और पानी नहीं गिरता हो उस जगह हम मिला के रख लें और करीबन 15 दिन तक रहने दें उसको, और हर 3 दिन में उसको पलटाते रहें जिससे कि वो पूरे में फैल जाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका ट्राइकोडर्मा करीबन 100-150 रुपये किलो आता है जी, और आपका जो सुडोमोनास है वो 250 रुपये किलो आता है जी, पर यदि हम मान लीजिए पूरे बाग में करेंगे तो हमें लाखों रुपये लग जाएंगे जी, पर इस स्थिति में इस हिसाब से करेंगे तो क्या हमें पैसे बचेंगे हमारे, क्योंकि वैसे ही हमारी हालत ख़राब है, माली हालत ख़राब है किसान भाइयों की। तो हम चाहेंगे कि उसका जो एक कुंटल तैयार हो जाएगा किसान 15 दिन में तैयार हो जाएगा और उसको जो है करीबन 5-10 किलो हम थाले में दें उसको अप्लाई करें। तो ये जो आपने बताया ये बैक्टीरियल खाद है ना, जीवाणु ये सब फफूंद को मारते हैं जी जी, ये इसके लिए है। तो उससे आपका जो है एक तो जितने भी जड़ गलने वाली समस्याएं हैं चाहे वो अमरूद में हो, चाहे वो अनार में हो, पपीते में हो। डॉक्टर साहब एक प्रश्न रहते हैं जी जी, एक हमारे किसान भाई नरसिंहपुर के धर्मेंद्र सिंह जी, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जानना चाहेंगे आपका प्रश्न। सर वो डॉक्टर साहब से थोड़ी सी जानकारी लेनी थी क्योंकि सर उद्यानी फसलों में थोड़ा सा करना चाहते थे अगले सीजन में अपन जी, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए बोलिए, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? क्योंकि सर मैं उद्यानी फसलें लगाना चाहता था अगले सीजन में। आपका सवाल बताइए। सवाल तो इनका साहब ये लग रहा है कि उद्यानी की फसलें लगाना चाहते हैं और नरसिंहपुर में कौन सी फसलें इनके लिए उपयोगी होंगी? अच्छा, इस समय से मतलब अभी खरीफ के मौसम में भी आपने देखा कि बारिश खत्म होने पे है जी, अभी ये चाहते हैं लगाना। हाँ हाँ। तो अभी चूंकि कई फसल तो खराब हो चुकी होगी पानी से, तो हम चाहें कि जो समय है इनके पास अभी जी, तो इसलिए क्या है कि अभी आलू लगाते हैं, ये कम अवधि में हो जाएगा आलू, तो आलू की जैसे अभी किसान जो है कुफरी अशोका है, कुफरी जवार है, कुफरी लौकर है, इस तरह किस्मों को लगाएं। करीबन 20 से 30 क्विंटल उनको बीज की मात्रा लगेगी प्रति हेक्टेयर में, और ये जो खाद ये जो आलू की फसल लगाते हैं। इसके अलावा किसान भाई चाहे तो इस समय मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं। अच्छा, जिनके पास पोली हाउसेस हैं जैसे हम देख रहे हैं वो तो
कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। बिल्कुल, इस समय चूंकि हमारे मतलब मध्य प्रदेश में जो है सबसे अच्छा जो काम है जिसके पॉली हाउस हैं उनके सबसे फायदेमंद चीज, क्योंकि इस समय रेट भी अच्छे मिलते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि सब्जी एक तो हो भी गई है उत्पादन मान लीजिए, तो तोड़ना मुश्किल है उसको, खेत से निकालना मुश्किल है, तो अभी इस समय बाजार में काफ़ी अच्छा भाव चल रहा है। तो ऐसे किसान भाई जिनके पास पॉली हाउस हैं वो लोग अपने खेतों में मीन्स पॉली हाउस में सब्जी खेती करें, क्योंकि इस समय सबसे अच्छा भाव मिलेगा उनको। लेकिन फिर भी अगर वो फल बाग लगाना चाहते हैं तो क्या अभी बरसात के बाद वो कर सकेंगे बाग फलों की? जी 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 बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी अभी मान ली हमने नया पौधरोपण किया है तो उसमें समस्या क्यों होता है, सड़ जाए पानी से, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करें। जैसे आपने मान लीजिए जो आपने लेआउट कर रखा है, मान लीजिए आपने ऑलरेडी लेआउट कर रखा है, गड्ढे करके रखे हुए हैं और उसमें आपने खाद वगैरह भर के रखी हुई है, तो उसमें हम बाद में कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा पौधा हम ग्राफ्टिंग वाला पौधा लगाते हैं मान लीजिए, तो जो ग्राफ्ट यूनियन होता है जो, वो मिट्टी के अंदर दबे नहीं वो, अच्छा, और उसमें थोड़ा मिट्टी पहले बैठने दें उसके बाद उसको लगाएं। डॉक्टर साहब अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें जो हैं वो फूल आने के समय में पहुंच रही थी, तो निश्चित रूप से फूल गिरेंगे ही, बरसात तो ज़्यादा इतनी ज़्यादा है कि फूल तो गिरना ही है, क्या दोबारा बाहर आने की कोई संभावना है या हम कुछ ऐसे स्प्रे कर सकते हैं कि वो फिर से उनको जिंदा कर पाएँ? देखिए उसमें ये है कि एक तो निकासी करें, अपने मैंने बताया पानी की निकासी हो जाएगी, और साथ में क्या करें कि हम उसमें एनपीके आता है जो 20-20-20 हो गया या 19-19-19 होता है, 50 ग्राम लगभग एक पंप में लेकर के उसका छिड़काव करें, साथ में चाहे तो किसान भाई उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो उसका भी घोल मिला सकते हैं उसमें आप, तो वो भी काम करेगा, वो उससे उसकी वृद्धि अच्छी हो जाएगी। और फूल जो झंडे की बात आपने करी जी, उसके लिए हम यदि चाहें तो एन ए आता है जो नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड होता है जो, वो एक हार्मोन है जो कि फूल गिरने को रोकता है, तो हम करीबन 200 ppm का घोल बना करके छिड़काव करते हैं उसमें। 200 ppm का घोल बनाए, मैंने बहुत सावधानी से बनाया है, बिल्कुल भी ज्यादा मात्रा ना हो, कम मात्रा होनी चाहिए उसकी, तो बनाकर छिड़काव करते हैं तो उससे जो है फूल झड़ने की समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। अच्छा, तो फूल झड़ना भी बचाया जा सकता है या फिर से फूल बैलेंस न्यूट्रिएंट देंगे तो वो हो जाएगा, बहुत पोषण की बात की जी। डॉक्टर साहब पपीता हम देख रहे हैं, पपीता तो बहुत लगता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस तरह की जो पीले पत्तियां पड़ना, और ये असल में एक बीमारी है, इसको बोला रिंग स्पॉट वायरस, ये इसका लक्षण है वैसे ये। इसमें देखिए जो फल भी आए होंगे तो फलों में ऐसे रिंग बने होंगे और बीच में एक धब्बा होगा उसमें जी। तो ये जो है वायरल बीमारी है, इसकी भी आ गई है तो इसका नियंत्रण तो संभव नहीं है जी। लेकिन इसको बचाव क्या सकता है इसका, इसमें क्या है कि जो खेत में जो भी पौधे लगे हों इस तरह के उन्हें उखाड़ करके हम उसको नष्ट कर दें, खेत से बाहर कर दें और जला दें या नष्ट कर दें उसको, ताकि बीमारी फैले नहीं। असल में ये जो है रस चूसने वाले कीड़े जो होते हैं उनसे फैलता है ये, तो उनका नियंत्रण हम करें, मतलब हम समझ लें कि वायरस को मारा नहीं जा सकता। हाँ, वो संभव है ना, और ये पूरे पौधे में धीरे धीरे पहुंचेगा और दूसरे पौधे में पहुंचेगा, पूरे आपके खेत को खराब कर देगा, पूरे पौधे बांझ जाएंगे आपके। ओहो, इसलिए वो ना होने दें हम उसमें। जैसे हमारा जो मूंग उड़द होती है पीली पड़ती है जो, तो वैसे ही वायरस है ये, तो वायरस की बीमारी तो कहीं भी हो, हाँ, चाहे वो मूंग उड़द में हो, भिंडी में हो या पपीते में हो, देखिए चाहे वो हमारे हम लोगों में हमारे अंदर चाहे उसमें उसका, लेकिन हमें हमें फेंका नहीं सकता, उसका क्या बचाव हो सकता है, उसका कंट्रोल नहीं है, उसका बचाव है, बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं ऐसे ही पौधों में करें यहाँ पर। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बड़े एरिया में खास करके आदिवासी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में सीताफल बहुत हो रहा है जी, सीताफल के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए सीताफल में इस समय फूल आने का समय चल रहा है जी, किसान वैसे जो भी फल लगाते हैं, जो फल का काम मतलब फलों की खेती करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने खेतों पर मधुमक्खी पालन जरूर करें साथ में उसके, उससे क्या है कि उसमें जो परागण की परागण जो है बढ़ जाएगा उससे। और दूसरा जैसे अभी बताया सीताफल में जो है, सीताफल असल में सूखे में होता है, ऐसा उसको एरिड चाहिए, कंडीशन चाहिए होती है, पानी कम चाहिए होता है। सीताफल हो चाहे वो सेजना की फसल हो, सेजना भी काफ़ी अब हमारे जो राज्य में सेजना की भी काफ़ी फसल हो रही है, मुनगे की फसल, तो इन सब फसलों को पानी कम मात्रा में चाहिए होता है। तो ऐसी जगह जहाँ सूखा वाली सूखे वाले जो प्रदेश है, जैसे हमारा निमाड़ पट्टा हो गया, इस तरह की जगहों में काफ़ी हद तक देखा, तो मतलब हल्की ज़मीन, लाल मिट्टी, पथरीली ज़मीन, इनमें ये जो होता है, इनमें होता है, तो यहाँ पर भी हम देखें, लेकिन समय ये बेर के लिए उपयुक्त है। जी 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 जी, तो वहाँ पर भी फसलों की साल संभाल करने की जरूरत है, देखभाल करने की जरूरत है, पानी वहाँ भी नहीं भरे, हो सकता है कई नाले निकलते हों। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब इसी बीच में हमारे किसान भाई गोविंद जी बालाघाट के किसान भाई हैं जी, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। गोविंद जी कार्यक्रम में स्वागत, क्या प्रश्न है भाई आपका? जी भैया नमस्कार, मैं कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोले भैया, जैसे अभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो फलदार वृक्षों में ऐसे मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है, जानकारी? अच्छा, फसल कौन सी? जी जी, फलदार वृक्ष जैसे आम अमरूद है, तो इनमें कौन सी? अच्छा, आपने लगाए हुए हैं ना?
देखिए अभी उन्होंने जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, इसमें अमरूद की बात अपन कर चुके, चर्चा कर चुके अमरूद की, तो अमरूद में बताया कि बिल्ट लगता है इसमें, है ना, अमरूद का अब देख रहे हैं बाग देख रहे हैं, इसमें क्या है कि पानी जब भरा होगा इसमें तो जल भराव से जो है इसमें गोवा बिल्ट की समस्या आएगी। इसके अलावा अभी मान लीजिए नींबू का बाग है, उसमें सिट्रस डिक्लाइन जो बीमारी होती है जी वो काफ़ी देखने में आती है, ये जैसे ही आपका बरसात हो जाएगी तो फल पौधे सूखने लगेंगे आपके जी, और पौधे सूखने लगेंगे और उसमें क्या है चलिए मल्टीपल बीमारियां होती है इसमें जी, फफूंद भी शामिल है इसमें, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है इसमें, ट्रस्टीजा वायरस होता है इसमें, इसके अलावा गमोसिस जो है फंगस होता है इसमें, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। तो क्या करना चाहिए किसान भाई, एक तो जैसा होता है कि इसमें एक तो बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें जी, दूसरा जो पौधा जो है उसमें जब भी टहनियाँ सूख रही हैं उसकी उसे काट छांट कर करके उसको खत्म जला दें बाहर निकाल के। इसके अलावा इसमें इस समय जो है देखने में आया है कि सिट्रस कैंकर जो रोग है वो काफ़ी हद तक देखने में आता है, तो वो भी एक लक्षण काम करता है इसमें, बहुत सारे दुश्मन हाँ है। तो सिट्रस कैंकर के लिए हम एंटीबायोटिक जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है उसका स्प्रे करें 2 ग्राम प्रति लीटर की मान से इसका जो है छिड़काव करने पड़े हाँ, मौसम साफ हो जाए तब हाँ, अभी ऐसा भी कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक यही है जी, इसमें क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रोसाइक्लिन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में के मान से छिड़काव करें इसमें हाँ। और इसके अलावा जितने भी तने हैं पौधों के उसमें हम बोर्डेक्स पेंट का उपयोग करें, जो बोर्डेक्स पेंट नीला होता है ना उसका, और चूने से जो घोल बना के बनता है चूना और नीला थोथा मिलाकर जो बनता है जी, तो उसमें जो है हम उनका जो है लेप करें, उससे जो है फफूंद जनित बीमारियां जो होती हैं जैसे गमोसिस हो गया या और बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती उसमें। अच्छा अच्छा जी, चलिए ये तो कुछ उपचार हैं जो हमको जब मौसम खुलता है तो हमको नींबू वर्गीय फसलों में और दूसरे फसलों में भी हम कर सकते हैं और करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को ताकि हमारी फसलें सुरक्षित रहें। लेकिन अभी सब्जियों की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब जी, तो कद्दू वर्गीय फसलों का समय है, लौकी गिलकी कद्दू करेला बहुत सारी सब्जियाँ आ रही हैं, तो इनमें जो है इनमें भी परेशानी तो आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्दी से गलने लगती हैं, आ भी रही हैं बहुत जल्दी गलने लगती हैं। इस समय समस्या आ रही है वो है फल मक्खी की जी, आप देखेंगे बहुत सारे जब फल देखेंगे इल्लियां आती है उसमें हाँ। और उससे बाजार भाव नहीं मिलता आपको, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट तरीका कि लगातार पानी गिर रहा है तो मेरे हिसाब से तो किसानों को चाहिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं फल मक्खी के लिए जी, है ना, फेरोमोन ट्रैप जो है करीबन 1 एकड़ में 6 से 8 लगा लें तो उससे जो है इससे नियंत्रण काफी अच्छा हो जाएगा। फेरोमोन ट्रैप फल मक्खी के लिए आता है जी जी, बाजार मिलता है वो करीबन 150 रुपये खर्चा आता है एक में, तो उसका जो लाइफ होती है ल्योर की करीब 50 दिन की होती है। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि फल जो है जो जमीन की सतह से टच होते हैं छूते हैं बिल्कुल वो सड़ खराब होते हैं, तो सड़न आती ही है, उसके लिए झंसे लगाने चाहिए हमको वैसे, यदि हम झंसे होते हैं अभी मान लीजिए जैसे किसने मक्का लगा रखी है तो यदि मक्का का मतलब हम तोड़ लें भुट्टे को उसके बाद उसको झंसे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसके बीच में हम यदि मान लीजिए कि बेल लगाते हैं तो चढ़ जाएगा उसमें हाँ, झंसे के रूप में काम करेगा वो, तो यानी उनको सहारा देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा उसको, सहारे स्टेकिंग की, आपके सहारे की जरूरत है जी, सब्जी के बेलों को जी जी डॉक्टर साहब। लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कई किसानों को शायद फसलों से काफी नुकसान होगा जी, और ऐसे में हो सकता है कि दोबारा बोनी भी करना पड़े या बिल्कुल अगली फसल के लिए उन्हें तैयार रहना पड़े जी जी, क्या विकल्प हो सकते हैं? मैंने बताया जैसे आलू लगा सकते हैं अभी किसान भाई, अभी मान लो किसान भाई का टाइम है तो अभी इस समय खरीफ प्याज बहुत अच्छी विकल्प है, यदि उन्हें रोपा डाल रखा है जैसे अभी इसके लिए किस्म जो उपयुक्त है वो आपकी जो है N53 है, आपकी एग्रीफाउंड डार्क रेड है, ऐसी किस्मों का उपयोग करें और वो खरीफ की प्याज लगा लें, उसमें क्या है कि आपको बढ़िया जो है आपको रेट अच्छे मिलेंगे आपको उसमें, और इस समय आप देख रहे हो कि 30 से 40 रुपए किलो चल रहा है रेट आपका फुटकर में प्याज का, तो वो आपको दिवाली के आसपास भी बाद में भी आपको रेट अच्छे मिलेंगे जी, तो उसमें लगा सकते हैं आप, अभी आप एक तो कर सकते हैं, दूसरा आलू लगा सकते हैं आप, और इसके अलावा किसान भाई मैंने बताया कि मूली है गाजर है इनका भी लगा सकते हैं आप, इनको मेड़ बना के लगाएं उसमें आप और ड्रिबलिंग करें हाथ से एक एक बीज बोएं तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा इसमें। डॉक्टर साहब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो जैविक खेती में अव्वल है पूरे देश में और बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो फलों की खेती भी जैविक पद्धति से करते हैं जी जी जी, तो उनको अच्छे मूल्य मिल सके इसकी कोई संभावना जैविक प्रमाणीकरण करवाने के बाद हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश राज्य जैव प्रमाण संस्था जो है ये मतलब भारत मीन्स अपने राज्य सरकार की संस्था है और हमारा जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिल्ली से होता है सर जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई क्योंकि हमारा सस्ता बहुत सस्ते में होता है 100 रुपये खर्चा है प्रति हेक्टेयर का केवल प्रमाणीकरण करने का फीस हमारी जो है,
तो इतने कम सस्ते इसमें जो है किसान भाई हमारे पास आएँ और अपने जैविक प्रमाणन कराएं। अच्छा, कौन कौन से फलों में हो सकता है प्रमाणन? देखिए, उसमें हमारे ऐसा हमारे कोई बंदिश नहीं है कि फसलों की जी। हमारे यहाँ क्या है, हम जमीन को करते हैं, हमारे जो जमीन होती है उसको हम जैविक करते हैं, तो जो भी फसल उसमें लगाएंगे वो चाहे फलों वाले हों, उद्यानिकी के हों, चाहे गेहूँ चना हो, जो भी लगाते हों जी जी, सभी वो जैविक कहलाएंगे वो। अच्छा, उसमें कन्वर्जन का समय होता है C1 C2। यदि मान लीजिए कोई किसान भाई फल उद्यान लगाते हैं तो उसमें C3 के बाद ऑर्गेनिक कहलाएगा वो, और यदि मान लीजिए वो केवल गेहूं चना सोयाबीन इस तरह की चीज लगाता है या सब्जी लगाता है तो C1 C2 के बाद ऑर्गेनिक कहलाएगा वो। तो लगभग 4 साल चाहिए कि 3 साल तो उसे चाहिए पक्का होने में कि वो प्रमाणीकरण जो मानक है हमारे, एक्चुअली हम NPOP मानक होते हैं जो, हाँ, उसको हम फॉलो करते हैं, तो उन मानकों के तहत जो है ये इस तरह का प्रावधान रखा गया है। अच्छा अच्छा, तो अगर वो प्रमाणीकृत हो गया तब वो खुद डिक्लेयर कर सकता है कि ये मेरा उत्पाद प्रमाणिक है और जैविक बिल्कुल, तो स्कोप सर्टिफिकेट इशू करते हैं हम लोग हर साल, तो वो उसके पास प्रूफ रहता है कि भाई मैंने किया। और आजकल जितने हमारे बहुत किसान भाई बम्बई में, दिल्ली में, सब जगह होटलों में, और आजकल आप देखते हैं बहुत सारे प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं उनमें भी अलग काउंटर खोल रखा है फलों सब्जियों के लिए भी, तो वहाँ पे भी वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको अच्छे प्रीमियम रेट में मिलते हैं जी। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब कोई गलती की संभावना ना हो जैविक किसानों को जी, जैविक खेती में कोई परेशानी ना आए जी, क्या इसके लिए समूह में किसानों को जैविक खेती करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमारे पास जो है दोनों तरह के हैं, इंडिविजुअल किसानों के लिए भी हम पंजीयन करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं, पर वो ग्रुप वाला जो समूह का असल में मैंडेटरी चाहिए होता है और उसमें पैसा काफ़ी खर्च होता है, तो वो मैं चाहता हूँ कि जो किसान भाई तो छोटे वाले किसान भाई अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, वो तो कोई जो मैंने एंटरप्रेनर होता है या आपका प्रोसेसर होता है उनके लिए वो उपयुक्त है। लेकिन किसान भाई जो भी इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी चाहते हैं कि वो प्रमाणीकरण कराना है, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। हाँ, बताइए ना। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर लिख लें आप, 9691396 3456 50 बड़ा अच्छा नंबर है डॉक्टर साहब। हाँ, ये हमारे किसान भाई को मुझे डायरेक्ट याद भी रहेगा। बिल्कुल, डायरेक्ट फोन लगा ले मुझे जी। मैं पूरी मदद करूंगा उनकी और मैं चाहूंगा कि किसान भाई आगे आए इसके लिए। तो किसान भाइयों को अपना प्रमाणीकरण भी करवाना चाहिए, और वो चाहे फल उत्पादन करें, सब्जी उत्पादन करें या फसलों का उत्पादन करें, इवन जैविक खेती का स्कोप तो काफी बढ़ रहा है। किसान भाई है जो इन्होंने गेहूं लगाए थे जी, उनको समर्थन मूल्य जो था करीब 1700-1800 था, जो वो उनको दुगने पैसे मिले हैं किसान भाइयों को। तो लागत कम करने की बात हो, लागत भी कम हो जाती है उससे और रेट भी अच्छे मिलते हैं जी। डॉक्टर साहब एक बार दोहरा दें मोबाइल नंबर अपना। 9691396 3456 50 3456 50। मेरा नाम मनोज कुमार है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो फोन कीजिएगा और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझिएगा, है ना। आप साथ ही अगर आपके खेतों में कोई परेशानी आ रही है, तकनीकी रूप से पानी भरने की परेशानी आ रही है, उद्यानी की फसलों में अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं, तो एम मनोज कुमार साहब जो हैं वो आपके लिए तत्परता से उपस्थित रहेंगे, आपकी समस्याओं का बाद में भी जवाब मिल सकेगा। तो डॉक्टर साहब आखिरी एक बात क्या कहना चाहेंगे किसानों से? मैं तो ये चाहूँगा सर कि किसान भाई जो हैं हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाएं जी, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप की तरफ जाएं, और अपने खेतों में सामायिक जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है जो, उसको अपनाएं, और इसके साथ ही जो है अपनी फसलों को पानी भरने से बचाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ समय हो चला है विदाई का, आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। राम राम।